दोस्तों, सलमान खान ने इतिहास लिख दिया और 8 दिनों के अंदर 300 करोड़ से भी बड़ी कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 ने 1 वीक में 376 करोड़ रुपए कमा लिए और अभी भी टाइगर 3 अपना जलवा दिखा रही है। मनोज देसाई कहते हैं ये तो कमाल हो गया। और अभी तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आ गई है। इस बार सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा कब्जा जमा रहे हैं और इस बार जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टाइगर करेगी वो आज से पहले सलमान भाई की किसी भी मूवी ने नहीं किया होगा। टाइगर अपनी फैमिली को टेररिस्ट और इंडिया के अटैक से कैसे प्रोटेक्ट करता है और अपने मिशन को भी पूरा करता है और वहीं अपने देश भारत पर होने वाले अटैक को भी रोकता है। ये सारी चीजें देखकर आप थिएटर पर चिपक जाओगे और टाइगर को बार बार देखना पसंद करोगे। टाइगर मूवी में सलमान खान को धोखेबाज एजेंट दिखाया गया है जो कि अपनी फैमिली को पाकिस्तान के टेररिस्ट से बचाने की कोशिश करेगा। और वहीं इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। मनीष शर्मा ने जो बवाल चीज बनाई है उसने पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया है। और वहीं इस मूवी में इमरान हाशमी का विलेन वाला अवतार भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ गया है। सलमान और इमरान की टक्कर देखने लायक है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, इस बार टाइगर 3 1000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकती है? क्या इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है? क्योंकि टाइगर की जो कलेक्शन है उसमें तेजी आना शुरू हो गई है। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद अब तेजी से टाइगर 3 को लोग देखने जा रहे हैं और सलमान भाई की मूवी को काफी बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है। क्या लगता है आपको, टाइगर 3 कितना बड़ा बवाल मचाने वाली है? और क्या एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड सलमान खान के खाते में जुड़ने वाला है? कमेंट में लाज में लिखना। अगर आप सलमान भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो, आपको टाइगर 3 की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।